हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश भाजपा के अंदर सत्ता संघर्ष को लेकर आंतरिक कलह चली हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर कोई भी विपरीत टिप्पणी करने से पूर्व भाजपा को पहले अपने घर की सुत ले लेनी चाहिए। मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में राठौर ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का ये बयान कि प्रदेश में भाजपा में राजनीति प्रदूषित होती जा रही है अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है जिसके कई मायने भी हैं। उनका ये कथन पार्टी के अंदर नेताओं में बढ़ते असंतोष को स्पष्ट इंगित करता है। राठौर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर आज भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को अपनी राजनीति से दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांता कुमार भी इसी परिणति का शिकार हुए हैं। उनका ये आरोप कि उन्हें अपने ही लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया पार्टी की पूरी पोल खोलता है। राठौर ने कहा कि शांता कुमार के बयान को हल्के से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा के कुछ मंत्री बेलगाम हो गए हैं। सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। देखिए, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का आपस का मामला है, मैं इस पे ज्यादा नहीं कहना चाहता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता श्री शांता कुमार जी, जिनकी बात को भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं दूसरे लोग भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, कद्दावर नेता है, जो उन्होंने आज कहा कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक प्रदूषण फैल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको बार बार वो कांग्रेस पे सवाल करते हैं कि कांग्रेस के अंदर ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शांता कुमार जी के इस बयान से बहुत सारी चीज़ें जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है साफ हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अगर आप देखें, चाहे कांगड़ा की बात करें या दूसरे जिलों की बात करें, वहाँ जो है गुटबंदी चरम सीमा पे है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो बेलगाम हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुनते। मुझे लगता है कि जो शांता कुमार जी का कथन है, इस पीड़ा को भी दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया है। आप अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों या मुरली मनोहर जोशी जी हों, शांता कुमार जी भी उसी श्रेणी में आते हैं। आज मोदी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, इन्होंने उन लोगों को जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में रहा, और अगर आज ये लोग सत्ता में आए तो कहीं ना कहीं इन लोगों का योगदान रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं, और शांता कुमार जी का जो बयान है इसी बात का परिचायक है। राठौर ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि वे देश में किसानों की आवाज दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई तब तक जारी रखेगी जब तक कि सरकार अपने इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को फिर से गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये बात कर रहे हैं वो अपने सरकार के दबाव में ये बात कर रहे हैं, जानकारी उनको नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पे हमसे वाद विवाद करना चाहे तो उसके लिए हम तैयार हैं। ये जो कानून है ये आत्मघाती फैसला है, क्योंकि जब मंडियां खत्म होंगे तो प्रतिस्पर्धा खत्म होगी। जब प्रतिस्पर्धा खत्म होगी तो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है, बड़े बड़े जो पूंजीपति है, उनका एकाधिकार होगा। किसानों के पास, या मैं हिमाचल की बात कहूँ, हमारे जो बागवान हैं उनके पास कोई भी जो है विकल्प नहीं होगा। उनको उसी दाम पे, जिस दाम पे जो दाम जो है पूंजीपति जो है बड़े बड़े जो इंडस्ट्री पैसे वाले हैं, धरना सेट है, वो निर्धारित करेंगे, उस दाम पे उनको जो है बेचना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि खेत आपके होंगे, खलिहान आपके होंगे, ट्रैक्टर आप चलाएंगे, खेती आप करेंगे, लेकिन अधिकार जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का होगा। जमाखोरी इससे बढ़ेगी, और मैं तो ये कहूँगा कि खेती के अस्तित्व पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है लग चुका है, और इसीलिए पूरे देश में जो किसान है
और सड़कों पे। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय में चल रहे छात्र आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों के साथ बातचीत की जानी चाहिए व उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। उन्होंने बीसी पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे विश्वविद्यालय में तानाशाही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपकुलपति को अपना अहम छोड़ संघर्षरत छात्रों की सुनकर उनका निराकरण करना चाहिए। उन्होंने छात्रों की मांगों पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन की बात भी कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी लोगों को बहुत कुछ कहा था, ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। आज प्रदेश विश्वविद्यालय में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार है और उपकुलपति है, उनको उनकी बात सुननी चाहिए। और आज आलम इस बात का है कि विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस का छात्र संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब समझा जाता है, वो भी आंदोलन जो है कर रहे हैं। और जिस ढंग से छात्रों के साथ बर्ताव हो रहा है वो बहुत गलत है। उपकुलपति को चाहिए कि वो छात्रों की बात सुने। मैं पूर्व छात्र नेता होने के नाते, पूर्व एनएसयूआई का अध्यक्ष होने के नाते, मेरी छात्रों से पूरी सहानुभूति। सरकार को चाहिए और उपकुलपति को चाहिए कि छात्रों को बुलाएं, जो उनकी मांग है उस पर विचार करें। लेकिन जिस ढंग से छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, मुझे लगता है कि ये जो है ठीक बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है इसकी भर्त्सना करते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में राठौर ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी व ठंड से पूर्व हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में कोई भी विकास कार्य करवाने में पूरी तरह असफल रही है और यही कारण है कि इन चुनावों में भाजपा से जुड़े लोगों को करारी हार मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग आज इस सरकार से दुखी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के कोई भी उपाय सरकार नहीं कर पा रही है, जबकि बढ़ती महंगाई पर इसका कोई भी नियंत्रण नहीं है। प्रदेश में पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली अस्त व्यस्त होकर रह गई है।